चौधरी अक्रम साहब, सबका एमएलए एल ए रिपोर्ट से और बीसीसी एसटी सेल के चेयरमैन है डिपार्टमेंट के, मनोज सिंह जी का जाते हैं हमारे महासचिव हैं, उदय सिंह चीफ जी हमारे यूथ के जनरल से हैं, सुरेश डोगरा जी बीसी के चेयरमैन हो, धीरज गुप्ता जी हमारे शक्ति है और हमारी खास के युवा इकाई और वर्ग के हमारे जो पदाधिकारी हैं वो इस बात पे रोष व्यक्त करने के लिए कि जिस तरीके से एक के बाद एक मोदी सरकार का जो फरमान आ रहा है वो युवा विरोधी और जन विरोधी है। जम्मू कश्मीर के युवाओं को जो पिछली सरकारों ने खास करके जब से मिलिटेंसी हुई, कांग्रेस की सरकारें रही, दूसरी सरकारें भी रही, एक बहुत बड़ा लाभ जो है वो जम्मू कश्मीर के युवाओं को यहाँ के हालात को देखते हुए 5 साल की जो एज वैक्सीनेशन थी सिविल सर्विस में यूपीएससी की तरफ से, वो एक बहुत बड़ा लाभ रहा जम्मू कश्मीर के युवाओं को था, क्योंकि यहाँ की परिस्थितियाँ ऐसी थी पिछले 30 साल से जम्मू कश्मीर एक डिस्टर्ब कंडीशन से गुजरता है, प्रॉक्सी वार का शिकार है, यहाँ नौजवानों की बच्चों की पढ़ाई के कई मामलों में डिस्टर्बेंस रहती है, आतंकवाद है और पिछले 6 साल से तो ये चरम सीमा पे है। अगर आप बॉर्डर फायरिंग की हालत देखें, इन्फिल्ट्रेशन की हालत देखें, आतंकवादियों की संख्या देखें जो 2014 में 70 के करीब बनाई जाती थी, आज तमाम ऑपरेशन ऑल आउट और इतनी हमारे जवानों की कुर्बानियों के बावजूद उनकी संख्या जो है वो 250 से ऊपर ही रहती है और मुख्तलिफ मौकों पर क्रॉस फायर में फायरिंग के बाद इन्फिल्ट्रेशन की संख्या बढ़ती जाती है, नए रिक्रूट्स जो है वो बढ़ते जाते हैं और एक तरफ से सरकार कहती है कि हालात सामान्य नहीं है, नेताओं को नजर बंद और गिरफ्तार रखा जाता है, उनको डिटेन किया जाता है, खास करके 5 अगस्त के बाद जिस किस्म के हालात बने हैं, इंटरनेट बंद है और आज ही ये झटका मैं समझता हूँ कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपने वो कंसेशन जो पिछले 30 दशक से जो है जम्मू कश्मीर के युवाओं को अवेलेबल थी उससे भी महरूम कर दिया। आपने नौकरियों में 50,000 का वादा किया कि 3 महीने के अंदर गवर्नर सत्यपाल मलिक साहब कह करके गोवा चले गए, लेकिन 6 महीने से ज़्यादा हो गया कोई नौकरी नहीं और फिर उसका प्रावधान नहीं जिसके लिए आपको विड्रा करनी पड़ी क्योंकि रोष हुआ, लेकिन एक के बाद एक आपकी युवा विरोधी नीतियाँ हैं मोदी सरकार की और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस महकमा को तो हमारे जम्मू कश्मीर के एक MP वहाँ हेड करें, वहाँ मंत्री हों, उस महकमे को यहाँ के हालात सामान्य नजर आ गए, वो कहते हैं कि यहाँ के हालात सुधर गए और दूसरे दिन आप कुछ नेताओं को फिर PSA के साथ फर्दर डिटेंशन करते हैं, बड़े नेताओं को नजरबंद रखते हैं, यहाँ पे सियासी गतिविधि के लिए माहौल पैदा नहीं करते, हालात पैदा नहीं करते, हालात आप कहते हैं सामान्य नहीं है, एक चीज के लिए हालात सामान्य नहीं है और युवाओं का को वंचित करने के लिए हालात सामान्य हो गए। मैं समझता हूँ कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि सत्ता में बैठे लोग जो है नशे में चूर हैं और उनको जम्मू कश्मीर के युवाओं के दर्द समझ नहीं आता। यहाँ के इंटरनेट के बगैर कितनी बार हमारे युवा कांग्रेस के साथियों ने, NSUI के साथियों ने, बाकी लोगों ने इसके बारे में प्रोटेस्ट किया, तमाम पार्टियों ने किया, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार भी जो है आप इंटरनेट को रिस्टोर नहीं कर पा रहे और फिर आप इस तरह के कदम उठाते हैं और जम्मू विभाग के युवाओं को भी आप उस तरह से जो है वही ट्रीटमेंट देना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के युवाओं को, तो ये मैं समझता हूँ कि हम सब इस बात पे सख्त जो है वो रिजेंटमेंट जो है वो पेश करते हैं और इसके ऊपर जन आंदोलन करेंगे। हमारे युवा और बाकी इकाइयों के वर्ग के लोग, आपने रिजर्वेशन पॉलिसी में भी आपने RBA जो बहुत बड़ा इलाका जो है जो बैकवर्ड रीजन के लोग हैं जिनको बैकवर्ड कमीशन के बाद उनको कहीं आइडेंटिफाई करके उनको रिजर्वेशन दी गई थी उसको भी आपने कम कर दिया और आप किसी वर्ग को दो हम उसका स्वागत करते हैं जो हकदार हैं
जिन लोगों का हक बनता है उनको रिजर्वेशन के जुमरे में लाया जाए, लेकिन जिन लोगों को जो अधिकार मिले हैं आप उनको पहले तो देखिए, एक तरफ से आप दूसरे और इलाके जो है उसमें शामिल करते हैं, दूसरी तरफ से आप रिजर्वेशन कम करते हैं। तो रिजर्वेशन पॉलिसी इसी तरह से आपने तो कहा था 5 अगस्त के बाद कि आप पूरा आयन पूरे देश की तरह, यहाँ भी आपने ओबीसी वालों को भी कहा कि यहाँ 27% आपको रिजर्वेशन मिलेगी, आपने दूसरे वर्ग को भी कहा कि जो देश के बाकी हिस्सों में एससी एसटी को वो भी मिलेगी, लेकिन जब रिजर्वेशन पॉलिसी निकलती है तो वो अलग होती है। और साथ में जो इस किस्म के कदम आप उठाते हैं, हम समझते हैं कि ये युवाओं के साथ एक खिलवाड़ है। और जम्मू कश्मीर का इतनी बड़ी संख्या में जो पीजी आपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस में आपने पोस्ट ग्रेजुएट लोगों को रजिस्टर करने की कोशिश की थी, कितने लाखों लोग जो है युवा उसमें दर्ज हुए, लेकिन नौकरी एक भी नहीं। प्राइवेट सेक्टर जम्मू कश्मीर में है नहीं। और जो कुछ जम्मू कश्मीर के युवाओं को पिछली सरकारों ने, यूपीए की सरकारों ने उन्होंने दिया था, उस पर आप उन कंसेशन को वापस लेते जा रहे हो। एसआर 202 के बारे में हमारे युवा कांग्रेस और एनएसयूआई स्टूडेंट विंग बार बार उसमें प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उसके बारे में सरकार ने बोलती। आज वो भी युवा वर्ग है, हमारी उनके साथ भी सहानुभूति है कि जो हमारे डेली वेजर्स डीएचई इरीगेशन फ्लड कंट्रोल और बाकी तमाम महकमाजात में जो लोगों को सालों साल 15-15, 20-20 साल से आपने एंगेज करके रखा है, एक एसआरओ भी निकला लेकिन उनको कोई रेगुलराइजेशन पॉलिसी नहीं, उनको बाजाबता तनख्वाह नहीं मिलती। काम आप लेते हो लेकिन सरकार उनको तनख्वाह भी नहीं देती, और वो लोग भी आज सड़कों पे हैं क्योंकि आखिर 6 महीने तक वो लोग खामोश रहे। आपके 2 साल तकरीब होने वाले, आपका जो गवर्नर रूल और उस सरकार को भी देखा, वोरा साहब ने एक एसआरओ उनके लिए निकाला था। तो कुल मिलाकर के जो वर्किंग फोर्स है, तमाम युवा वर्ग है जिन्होंने जवानी अपनी दे दी, और खास करके ये जो कदम है ये बिल्कुल ही जन विरोधी, जम्मू कश्मीर के युवा और आवाम के विरोधी इस किस्म के कदम है जिसकी सख्त हम मजम्मत करते हैं और इसका सख्त विरोध करते हैं। और साथ में सरकार से ये मांग करते हैं कि फौरी उस कंसेशन को बहाल किया जाए। जम्मू कश्मीर के युवा बड़ी मुश्किल परिस्थितियों से गुजर रहे हैं और स्टूडेंट्स और यूथ के लिए आपकी पॉलिसी जो है उनको बदलिए और यूथ फ्रेंडली पॉलिसी बनाइए। हम इसका सख्त विरोध करते हैं और आने वाले समय में, आने वाले दिनों में इसका हम जन आंदोलन करेंगे और हमारी तमाम इकाइयां मिल करके इसका सख्त हम विरोध करेंगे और सरकार को ये मजबूर करेंगे कि सरकार उस चीज को बहाल करे जो इनसे छिन रही है।